प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिगवंश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 9 क्लास के पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने व्याकरण के अंदर कारक को समझा, फिर 3 प्रत्यय ली, त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। अब हम चलते हैं आगे, त्वा, ल्यप, तरप और तमप, इन प्रत्ययों को आज समझते हैं। अब हम एक एक करके त्वा, ल्यप, तरप और तमप प्रत्ययों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं त्वा प्रत्यय। बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं कत्वा प्रत्यय, ये कत्वा प्रत्यय नहीं हो जाएगी, त्वा प्रत्यय हो जाएगी। सिर्फ क की तो ध्वनि मुख से उच्चारित होगी क्योंकि यहाँ पे आधा क है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो हो जाएगा त्वा। क सिर्फ क्या रह जाएगा, मुख के अंदर ही इसका स्वर उच्चारण मात्रा रह जाएगा थोड़ा सा। अब इसके अंदर धातु प्रत्यय जब संयोजित होगी तब कत्वा प्रत्यांतम शब्द बनेगा। उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझेंगे। सबसे पहले धातु देखनी है, चाहे कोई भी प्रत्यय हो, सभी प्रत्ययों में सबसे पहले क्या आएगी, धातु आएंगी या शब्द आएंगे, उसके बाद उनके अंदर प्रत्यय को संयोजित समाहित किया जाता है। भू, गम, क्री, खाद, श्रु, रुद, ये कुछ पाठ्यक्रम के अनुसार ही जहाँ पे प्रत्यय को लिया गया है क्योंकि इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भू प्लस त्वा प्रत्यय जब मिल जाएगी तो हो जाएगा भूत्वा, हो करके। गम प्लस त्वा, गत्वा, जा करके, इनके अंत में क्या लगेगा, करके लगेगा, यानी कार्य क्या होगा, होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ किया जाएगा। कृ प्लस त्वा, कृत्वा, करके। खाद प्लस त्वा, खादित्वा, खा करके। श्रु प्लस त्वा, श्रुत्वा, सुन करके। और अंत में रुत प्लस त्वा, रुदित्वा, रो कर के। अब एक एक करके इन उदाहरणों को वाक्य में प्रयोग करते हैं। अगर आप संस्कृत बोलने के इच्छुक हैं, यदि आप संस्कृत को बोलना चाहते हो तो बड़े ही आसानी से इन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं, इन प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भूत्वा, अहम एतत् कार्यम कृत्वा मंदिरम गमिष्यामि, कृत्वा यानी करके, मैं इन सभी कार्यों को करने के बाद कहाँ जाऊँगा, मंदिर जाऊँगा। भूत्वा यानी हो करके। गत्वा, अहम स्नानम गत्वा में आ गया, जैसे कि मंदिरम गत्वा पाठशालायम गमिष्यामि, पहले मंदिर जा करके पाठशाला में पढ़ने के लिए जाऊँगा। फिर कृत्वा का अपने देख ही लिया, अहम भोजनम कृत्वा गृह कार्यम करिष्यामि, मैं भोजन को करने के बाद गृह कार्य को करूँगा। फिर खादित्वा, अहम भोजनम खादित्वा दूरदर्शनम दृश्यामि, मैं भोजन को खाने के बाद दूरदर्शन को देखूँगा। श्रुत्वा, अहम भवतः वार्ताम श्रुत्वा सम्यक्त्या चिंतनम करिष्यामि, मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन करके आपकी बातों का स्मरण करूँगा। और रुदित्वा, इन उदाहरणों के माध्यम से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और इन प्रत्ययों को समझ सकते हैं। बस हमें क्या करना है, अगर परीक्षा में ये शब्द पूछे जा रहे हैं जैसे भूत्वा, तो आपको सिर्फ करना ये है कि भू धातु को अलग कर देना है और प्रत्यय को अलग कर देना है। अब भू धातु कैसे चलेगी, जैसे कि भू के अंदर भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः, इसी प्रकार सारी धातुएं चलती है और धातुओं के अंदर ही प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब त्वा प्रत्यय के बाद देखते हैं ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में आप देखेंगे कि इनके आगे उपसर्ग जो होता है वो जुड़ जाता है। सबसे पहले उपसर्ग आएगा, फिर मूल धातु आएगी और उसके बाद ल्यप प्रत्यय आएगी। तो चलिए, सम प्लस भू प्लस ल्यप, तो क्या हो जाएगा, संभूय। आ प्लस गम प्लस ल्यप, तब आगत्य। नी प्लस पा प्लस ल्यप, नीपीय। उप प्लस क्री प्लस
लेप तब हो जाएगा उपकृत्य, वि प्लस रुत प्लस लेप तब हो जाएगा विरुद्ध्य, और आ प्लस नी प्लस लेप तब हो जाएगा आनीय। अब इन प्रत्ययों को समझने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा ताकि पता चल सके कि आखिर इस शब्द में ऐसी कौन सी पहचान है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सके कि इसके अंदर कौन सी प्रत्यय है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको आगे देखना है पूर्व पद क्या होगा, उपसर्ग होगा या अवयव शब्द होगा, जैसे सम आ नी उप वि आ, सब क्या हो जाएंगे अवयव शब्द हो जाएंगे। उसके बाद आएगी धातु भू गम पा क्री रुद नी, और अंत में आ जाएगा अपने य। अमूमन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द के बाद में य आता है तो वहां पे हो जाएगी लेप प्रत्यय, और अधिकतर क्या होगा उसके आगे आधा शब्द आएगा, जैसे त्व तो संभूय, उसके बाद आगत्य आ करके, इसके अंदर भी करके शब्द का प्रयोग होगा, और अपने जो ये त्वा प्रत्यय इसके अंदर भी करके शब्द का प्रयोग होगा। तो ऐसे बन जाएंगे अपने सारे उदाहरण हो जाएंगे संभूय आगत्य नीपीय उपकृत्य निरुद्य आनीय। लेकिन अमूमन क्या होता है बहुत सारे जब अपन संवादों का प्रयोग करते हैं तो मोस्टली अपन जो है इस त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं ताकि बोलने में आसानी रहती है और हमें समझने भी काफ़ी आसानी रहती है। अब त्वा और ल्यप के बाद देखते हैं अपन तरप प्रत्यय। बच्चों तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय दोनों बिल्कुल एक समान है, सिर्फ बहुत छोटा सा फर्क है जो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए सबसे पहले तरप प्रत्यय, इसको पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है, जैसे कि पहले इनके शब्दों को देख लीजिए लघु दीर्घ बहु गुरु मंद, इन सारे शब्दों को आपके पाठ्यक्रम के अंदर से लिया गया है। अब जैसे ही इन शब्दों में क्या होगा तरप प्रत्यय जुड़ जाएगी तो शब्द बन जाएगा लघु तरह, दीर्घ में जब तरप प्रत्यय जुड़ेगी तो होगा दीर्घ तरह, बहु के अंदर तरप प्रत्यय जुड़ेगी तो हो जाएगा बहु तरह, गुरु के अंदर तरप प्रत्यय जुड़ेगी तो हो जाएगा गुरु तरह, और अंत में मंद शब्द में जब तरप प्रत्यय जुड़ेगी तो हो जाएगा मंद तरह। अब पहचानने का तरीका बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है देखिए हर शब्द के अंत में क्या है तरह तरह तरह, इस तरह शब्द को देखने इस मात्र से ही हमें यह पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन से प्रत्यय हैं तरप प्रत्यय। तो बच्चों ध्यान रखना है अगर किसी भी शब्द के अंत में उत्तर पद में तरह तरह जुड़ा हुआ है तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन सी प्रत्यय हो जाएगी तरप प्रत्यय हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जो हमारा तरप तमप प्रत्यय है वो भी उसके बिल्कुल मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं पहले इनके शब्दों को देख लीजिए, क्योंकि जब शब्दों में प्रत्यय मिलेगी तब इसका जो शब्द पूरा है वो प्रत्यांत शब्द बनेगा, जैसे लघु दीर्घ बहु गुरु मंद, बिल्कुल एक जैसे शब्दों को लिया गया है ताकि आपको जल्दी से याद हो सके। लघु प्लस तमप क्या हो जाएगा लघु तमह, दीर्घ प्लस तमप बराबर दीर्घ तमह, बहु प्लस तमप बहु तमह, गुरु प्लस तमप गुरु तमह, मंद प्लस तमप मंद तमह। मैंने यहाँ पे तमप लिख करके आगे कॉमा किए, लेकिन आप जब इनको पाठ्य पुस्तक में अपने उतारेंगे टिप्पणी पुस्तिका में तो आपको तमप सु पूरा कंप्लीट लिखना है, आपको मेरी तरफ नहीं करना, ये मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको बताया है, आपको पूरा काम अच्छे से करना ताकि आप जल्दी से आपको याद हो सके। अब ऐसी कौन सी पहचान है जिससे ये पता चल सके कि तमप प्रत्यय का ज्ञान होगा, तो देखिए तमह 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 है बिल्कुल आसान। अगर किसी भी शब्द के अंत में तमह शब्द आया हुआ है तो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रत्यय तमप प्रत्यय है। सारे शब्द देख लीजिए
लघु तमह तमह आ रहा है, दीर्घ तमह में भी तमह आ रहा है, बहु तमह के अंदर भी तमह आ रहा है, उसी प्रकार गुरु तमह और मंद तमह कितना आसान है। अगर इन्हीं शब्दों के अंत में तरह आ रहा है तो हो जाएगा तर प्रत्यय, और अगर तमह आ रहा है तो हो जाएगा अपने तम प्रत्यय। उसी प्रकार चार प्रत्ययों को आज समझा हमने। सबसे पहले देखा था हमने त्वा प्रत्यय, बिल्कुल आसान है। किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको त्वा दिख रहा है तो हो जाएगा त्वा प्रत्यय, अगर त्वम दिखेगा तो होगा त्वम प्रत्यय, त्वा प्रत्यय हो जाएगा। अगर केवल त्वा दिख रहा है तो होगा त्वम प्रत्यय, लेकिन वहां आपको ध्यान नहीं देना फिलहाल, आपको सिर्फ यहां ध्यान देना है कि जहां पे त्वा आएगा वो हो जाएगी हमारी त्वा प्रत्यय, जिसे आप कत्वा प्रत्यय बोलते हैं। अगर लेप प्रत्यय का ध्यान रखना है तो आगे आएगा अव्यय शब्द आ जाएगा और अंत में आ जाएगा यह आ जाएगा, बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार अपने तरप हो गया और तमप हो गया। अब ध्यान रखना है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके ये आ गया खादित्वा, पूछेंगे श धातु प्रत्यय को अलग कीजिए, तो आपको जो खाद धातु है उसे अलग करना है और जो त्वा प्रत्यय इसको अलग करना है। अगर आपको पूछे संभूय तो ध्यान रखना है सम प्लस भू प्लस ल्यप, ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसी क्रम में अगर लघु तरह पूछ रहा है तो क्या करना है, लघु अलग कर देना है और आगे लिखना है तरह प्रत्यय, और अगर पूछते हैं लघु तमह तो बिल्कुल आसान सा हो जाएगा, लघु लिख दीजिए और आगे लिख दीजिए तम। आप ऐसे करके परीक्षा में इन्हीं के मिलते जुलते शब्दों को पूछा जाता है और आपको बड़े ही सहजता से और बड़े सजग होकर के इनके शब्दों के उत्तर लिखने होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।